तो वर्ण कहाँ गया है? अब वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर की संख्या 13 होती है और स्वर को हम अच भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन को हम हल कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 33। तो इन दोनों को मिला करके संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। उसके बाद में स्वर को भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वर में रस स्वर, ये एकमात्रिक होता है, इसे बोलने में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसे बोलने में दुगना समय लगता है। और तीसरा है प्लुप्त स्वर, ये त्रिमात्रिक होता है, इसे बोलने में तिगुना समय लगता है। रस स्वर को ऋजु, ऋजु का मतलब होता है लघु, और या फिर मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। रस स्वर में अ ई उ री लि, ये पांच वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर में आ ई उ री ए ऐ ओ औ आते हैं। ए अ और ई से मिलकर के बनता है, ऐ अ और ए से मिलकर के, ओ अ और उसे मिलकर के, और औ अ और ओ से मिलकर के बनता है। प्लप्त स्वर अ, ये यहाँ तिगुना समय लग रहा है, इनकी संख्या 9 होती है। उसके बाद में हमारे आते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या मैंने बताई 33, और इसे व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। कादयो मावसानाम स्पर्शः, कादयो मावसाना स्पर्शः मतलब क से, मैं तक क से और मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब हमारी जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, इनका स्पर्श करती है तो जीभ मुख के अंदर अलग अलग स्थानों को ग्रहण करती है, मतलब अलग अलग सुर निकलते हैं। जैसे क ख ग घ ण ये बोलेंगे तो ये कंठ से बोले जाते हैं। च छ ज झ ण ये बोलेंगे तो ये तालु से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ ण इस तरीके से बोलेंगे, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इस तरीके से क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंदर से बोले जाते हैं, तो य र ल व। इसी तरीके से उष्म व्यंजन श श स ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलने से मुख में से गर्म सांस निकलती है। जैसे बोल के देखना, श श स ह, इस तरीके से इन्हें नोट कीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में आता है जैसे वर्ग का अंतिम वर्ण, क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे क वर्ग ज वर्ग, तो इनके जितने भी वर्ण हैं वो कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? ण। च वर्ग का ये, ट वर्ग का ये, त वर्ग का न, और प वर्ग का मैं। तो ये अंतिम वर्ण हैं, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद में न और मैं, न या मैं की तरह इसका चिन्ह होता है ये,
और इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। फिर आता है हमारा विसर्ग। इसका प्रयोग स्वर के बाद में किया जाता है। जैसे कोई भी हम शब्द लिखते हैं तो उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण करते हैं। जब शब्द के बाद में विसर्ग लगता है और इसका उच्चारण हम करते हैं तो है की ध्वनि निकलती है। है की ध्वनि, जैसे हम बोलेंगे राम है तो राम में से है की ध्वनि निकली। हमने बोला राम, राम सिंपल है, लेकिन विसर्ग लगाने के बाद में हमने बोला राम है तो हमारे मुख से उच्चारण करने पर ह की ध्वनि निकली। अब मैंने बताया वर्ण, वर्ण कहाँ से उत्पन्न हुए? माहेश्वरी सूत्र से। माहेश्वरी सूत्र क्या होते हैं अब आप सोच रहे होंगे, माहेश्वरी सूत्र के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।